हंसराज यूसुफ रामा जी 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 नमस्कार, मैं प्राइम मिनिस्टर के निवास स्थान से बोल रहा हूँ जी। नमस्ते जी, नमस्ते। प्राइम मिनिस्टर साहब बात करना चाहते हैं। अच्छा, मैं दे रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हंसराज जी। जी जी, मैं पीएम साहब को दे रहा हूँ, पीएम साहब बात करेंगे। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आपका आशीर्वाद बढ़िया है। और परिवार के सब? बहुत अच्छे हैं। क्या स्थिति है जिले में? अभी समय तो अभी ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है। वही दो जगह लोहता और गंगापुर में वो लगा है, बाकी और सब कार्यकर्ताओं का देखभाल हम सभी लोग कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री केयर फंड में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मास्क बनवा रहे हैं। आपकी जरूरत देखिए, मास्क बनवाने के चक्कर के बजाय जी, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में तो तौलिया लेके गले पे लगाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, उसी से मुंह बांधने की आदत डालो भाई। घर का जो तौलिया होता है ना जी जी जी, उसी से मुंह बांधने की आदत डाल दो। ये कोई बड़ा फैशनेबल मास्क तो डॉक्टरों के लिए चाहिए। ठीक ठीक ठीक। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, बिना कारण खर्चा करते हैं, टाइम खराब करते हैं हम। ठीक ठीक। हम अपना जो कंधे पर जो स्कार्फ रखते हैं ना जी, गमछा, वो गमछा ही बांध देना चाहिए। बहुत सिंपल है, वही आदत डालो। ठीक ठीक। वही रत्नाकर भाई साहब, सुनील बंसल जी का लोकाधेश था, सुनील जी का आज फोन आया था। नहीं, उनको समझाइए, बोले मोदी जी ने तो यही कहा है जी, बिना हाँ खर्चा क्यों करते। वो जो मास्क हुआ है ना, वो तो डॉक्टरों को चाहिए, सफाई कामदारों को चाहिए, जो बेचारों को काम करना होता है जी। ठीक है। दूसरा, वो एक आरोग्य सेतु ऐप जो है, हाँ वो डाउनलोड हो गया, आज आईटी सेल और सब कार्यकर्ताओं को आज करा रहा हूँ। बहुत बड़ी ताकत लगानी चाहिए, एक भी छूटना नहीं, एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। ये मिशन में काम कीजिए, नहीं छूटेंगे, सब लोग एकदम युद्ध स्तर पर रखते हैं। लोगों के मन में भाव क्या है? भाव आपके प्रति तो समझिए कि भगवान लोग मान रहे हैं, तो यही हम कहेंगे, हम कार्यकर्ता और बाकी जनता भी। कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जनता भी आपके प्रति समझिए, लोग कहते हैं कि भाई ये तो भगवान आया है, ये है भाव। जो आपके द्वारा मार्गदर्शन मिलता है, 100% लोग एकदम करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। आदेश आया ही नहीं, लोग तैयारी पूरा करने लगते हैं। कभी आपके प्रति लोगों का हम लोग कभी अभी 6 साल में कभी सुने नहीं, ये दूसरा कार्यकाल मेरा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और आपके लिए तो हम लोग अपने पूरा जीवन न्यौछावर करते हैं। नहीं नहीं, आप सब आप कार्यकर्ताओं की तपस्या ही है जिसके कारण अपन काम कर पा रहे हैं भाई जी। चलिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाए, सब समस्याएं समाधान हो जाए जी। ठीक है, आपका ठीक है, आपका कोशिश निश्चित तौर पर सफलता हम लोगों को साहस दिखा रही है, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आपका प्रणाम, बहुत बहुत आभार। थैंक यू भैया।